अब बताइए एक बार प्रताप, हम कैसे लग रहे हैं? क्या अब भी हम आपको राणा उदय सिंह लग रहे हैं? हाँ दाजीराज। अच्छा दाजीराज, आप भेष बदल कर बूंदी जाने का विचार क्यों नहीं छोड़ देते? आपको किसने कहा कि हम भेष बदल कर बूंदी जा रहे हैं? आपने तो बोला था दाजीराज। हमने कहा गौर प्रताप, ये बात बहुत गुप्त है, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हम भेष बदल कर बूंदी जाने वाले हैं, समझे? इसलिए तो हम इतने श्रम से भेष बदल रहे हैं और आप हमें बार बार इसलिए पहचान पा रहे हैं क्योंकि हम आपके सामने भेष बदल रहे हैं। हमें 100% विश्वास है कि इस भेष में तो आपकी रानी मां भी हमें नहीं पहचान पाएगी। आप हंस रहे हैं प्रताप? बस ऐसे ही दाजीराज। ठीक है, इस बदले हुए वेश का चमत्कार देखना चाहेंगे आप? ठीक है दाजीराज, चलिए रानी माँ के सामने। तो चलिए, आप भी देख लीजिएगा कि आपके दाजीराज कितने क्रियात्मक हैं। खम्मा खड़ी हुकुम, खम्मा खड़ी हुकुम। दाजीराज वो चमत्कार बस। कौन प्रताप, ये सब लोग हमें इसलिए पहचान पा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि हम राणा उदय सिंह के कक्ष से बाहर निकले हैं। इसलिए हमारी असली परीक्षा शुरू होगी जब हम आपके रानी माँ के कक्ष में जाएंगे, तब देखिएगा हमारे इस बदले हुए भेष का चमत्कार, तब देखते हैं कि आपकी रानी माँ हमको पहचान पाती है या नहीं। दाजीराज, निश्चित रूप से हमारी रानी माँ आपको पहचान ही लेगी, देख लीजिएगा आप। चलिए देखते हैं। आप सब चले जाइए। और प्रताप, आप यहीं पर रुकिए, हम अंदर अकेले जाना चाहेंगे। ठीक है दाजीराज। खम्मा घड़ी, क्षमा करें राणा जी, हमें नहीं पता था आप इस समय यहां आने वाले हैं। अंतु जयंता भाई जी, आपने बिना देखे क्या हम आपको इस वेशभूषा में, इस नए भेष में बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहे? क्यों दाजीराज, अब क्या कहेंगे आप? हाँ, आपकी रानी माँ तो है ही सजग, किंतु हमारी सच्ची परीक्षा आपकी रानी माँ के पहचानने से नहीं होगी। हमारी सच्ची परीक्षा तब होगी जब हमें कौन नहीं पहचानेगा? सज्जा बाई जी। अगर सज्जा बाई जी ने हमें पहचान लिया तो हम मानेंगे कि हमें कोई भी पहचान सकता है। एक लिंग जी, मंजली माँ तो पहचान ही नहीं पाएंगी। क्यों गौर प्रताप, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलिए मंजली माँ के पास चलकर देखते हैं। चलिए। जयंता बाई जी, एक बात बताइए, क्या इस भेष में हम आपको विचित्र नहीं लग रहे? चलते हैं। एक क्षण राणा जी। इस वेश में कहाँ जा रहे हैं? एक गुप्त अभियान है,
सुरक्षा की दृष्टि से हम किसी को बता नहीं सकते। चलते हैं। हे गिरधर गोपाल, क्या चल रहा है गौर प्रताप के मन में? बड़े शान से लग रहे थे। मंजली माँ, अभी यहाँ पर आपके कक्ष में कोई आएगा और आपको उन्हें पहचानना है। आप उन्हें जानती हैं लेकिन फिर भी आपको पहचानना है। हमारे कक्ष में कोई आएगा, हमें उन्हें पहचानना है। अरे अगर हम उन्हें पहचानते तो हम उन्हें पहचानेंगे ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप समझ नहीं रही है मंजली माँ, हम क्या कह रहे हैं। हम क्या नहीं समझ रहे? हम समझाते हैं। आपके कक्ष में आपके इतने निकट कौन कौन बैठ सकता है? आप भी तो हमारे कक्ष में आए हैं, इतने निकट बैठे। मंजली माँ, हम सब तो आपके पुत्र हैं। अच्छा फिर आपके कक्ष में कौन कौन पुरुष आ सकता है? गौर प्रताप, आप ऐसी बातें कर रहे हैं हमसे? हमारे कक्ष में पुरुष? आप पागल हो गए क्या? ये लीजिए बेर खाइए, इससे आपका मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा। मंजली माँ, आप समझ नहीं रही हो। अब जो यहाँ पर आने वाले हैं उनको आपका पहचाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आप हमारे कक्ष में कैसे आ गए? क्या लिखो? हमारे राणा जी को पता चल गया ना, वे आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। गौर प्रताप, आप अपना सिर पीट रहे, रक्षा कीजिए हमारी, अपनी माँ के गौरव की रक्षा कीजिए। गौर प्रताप, अब तो मान गए ना आप, देख भी लिया आपने हमारे बदले हुए भेष की सफलता। हम हार मानते हैं दाजीराज। राणा जी। जी सज्जा भाई जी। गौर प्रताप, अब हम चलते हैं। गौर प्रताप, राणा जी ने ऐसी वेशभूषा क्यों बनाई है? क्योंकि वे बूंदी जा रहे हैं और हमें उनसे पहले वहां पहुंचना पड़ेगा। अरे पर भेष बदलकर बूंदी क्यों? हमें पता लगाना पड़ेगा चल क्या रहा है यहाँ। अच्छा क्या आप ये बता सकती हैं कि राणा जी ने भेष क्यों बदला है? नहीं रानी साहब। अच्छा आपको तो पता होगा ना राणा जी बूंदी क्यों जा रहे हैं? नहीं पता महारानी सा, नहीं पता। चलो सर, इससे पहले कि दाजीराज बूंदी पहुंचे हमें वहां पहुंचना होगा। चलो। खम्मा गणी बाऊजीराज। गणी खम्मा, क्या आप भी अन्नदाता के साथ बूंदी जा रहे हैं? क्या हमें एक बात बताइए, ये बात यहाँ किस किस को पता है? यह बात तो बाऊजीराज सबको पता है यहाँ। धन्यवाद। राणा जी ने ऐसी वेशभूषा क्यों बनाई है? क्योंकि वे बूंदी जा रहे हैं। धन्यवाद मंजली माँ, अब लगता है हमें बूंदी जाने की कोई आवश्यकता नहीं। गानी हुकम, आप सचमुच बिना सुरक्षा कवच के ही बूंदी जाएंगे? हुकम, आपको पता है कि हम राणा उदय सिंह हैं? जी हुकम। और आपको यह भी पता है कि हम बूंदी जा रहे हैं? जी हुकम। हम
खम्मागढ़ी आना चाहता। आपका अश्व तैयार है हुकुम, तखावीर को पकड़ने के लिए ये आपको शीघ्रता से ले जाएगा बूंदी। राणा जी, आज हमारे विचार से अब आपको अपना यह अभियान स्थगित कर देना चाहिए जी। यदि अभी से ये सारा राजमहल जान चुका है कि आप देश बदल कर बूंदी जा रहे हैं, तो आपके बूंदी पहुंचने से पहले निश्चित ही यह समाचार उस राव सुरतन तक भी पहुंच जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से यह ठीक नहीं होगा। राणा जी, बात यह नहीं है रावत जी, चिंता का विषय तो यह है कि यह सामरिक महत्व का गुप्त अभियान था, जिसके बारे में सबको पता चला कैसे। राणा जी, राणा जी, हम आपका तिलक कर दे, वो क्या है ना, लोगों से पूछते पूछते, सूचनाएं जोड़ते जोड़ते, हमें पता चल गया कि आप बूंदी जा रहे वेश बदल के वो सखा वीर को पकड़ने। क्या हुआ राणा जी, हमसे कोई भूल हो गई? नहीं नहीं, आपसे कोई भूल नहीं हुई सच्चा भाई जी। ये अभियान शुरू से ही अभिशप्त था। चलिए रावत जी। दाजीराज, हमने कहा था ना कि आज का दिन ही ठीक नहीं है बूंदी जाने के लिए। परिस्थितियां बार बार कुछ ऐसी आती जा रही है दाजीराज, कि चाह कर भी हम सखा वीर का सच आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं। हम मन से इसके लिए क्षमा प्रार्थी है दाजीराज, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में सखा वीर बनकर बूंदी की त्रस्त की प्रजा की सहायता के लिए हम जो अचाहे आपके विश्वास को छल रहे उसका औचित्य आपकी दृष्टि में भी सिद्ध हो जाए। बच्चे तो हमने इकट्ठे कर लिए, अब तरह इनकी आवाज से बुलंद चीखे तो सुने, इन्हें आने वाले बच्चे हमारे किस काम के। ए बच्चे, जरा वो कर को दिखाओ, जोर से और जोर से और जोर से रो। कुछ मजा नहीं आ रहा है राव सुल्तान जी, कुछ मजा नहीं आ रहा है। हमारे बूंदी के बच्चे हैं ये बैरम खान जी, इनके नस में बह रहे बूंद बूंद रक्त को हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, है ना। अब और ऊंची आवाज में आप कैसे रोओगे हम बताएंगे। हाथ दीजिए अपना, आपकी हस्तरेखा देखे बूंदी का भविष्य कितना उज्जवल है वो तो पता चले। क्यों बैरम खान जी, जी पागल हो गया देखा? अरे बूंदी के बच्चों की आवाज कितनी ऊंची है देखा? अच्छा है, अच्छा है, जो जितना जल्दी रोएगा उतना ही अच्छा है। अच्छा 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 अच्छा, समझिए, आपकी इच्छा है कि बच्चे जितने अधिक संवेदनशील हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, परंतु आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं ये तो हमें बताना पड़ेगा। अरे वो भी पता चल जाएगा, पहले आप जरा और अच्छे अच्छे बच्चे तलाश कीजिए और इन बच्चों को और रुलाइए।
ये तो बड़े गहरे गांव लगा लिए आपने कुंवर प्रताप। किंतु ये गांव आपको लगे कब, कहां और थे कहां? तो इसका अर्थ ये हुआ कि कुंवर प्रताप ही सखावीर, और जब सब सोचते हैं कि वे अपने कक्ष में सो रहे हैं तब वे चुपचाप जाकर सुरतन सिंह और उसके सैनिकों के साथ युद्ध करते हैं। हमें तुरंत ही राणा जी का इसकी ओर ध्यान खींचने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कहाँ चली गई थी वो जगमाल, आपके लिए कब से रो रहे हैं? हम अपने प्राण लेना चाहते हैं, हम नहीं जीना चाहते। क्या करिए, इसे छोड़ दीजिए। महारानी साहब, क्या करिए? महारानी साहब, इसे छोड़ दीजिए। नहीं, कौन है निशा? कौन जी रानी? वीरबाई जी, पूजा हो रही है। हटिए वीरबाई, छोड़िए इसको, पागल हो गई है। पागल हो गई राणा जी। कोई भी संतुलित मानसिकता वाली माँ अपने पुत्र पर संदेह नहीं करेगी। संदेह? किसकी बात कर रही हैं आप? हम उस संदेह की बात कर रहे हैं जो हमने कुंवर प्रताप पर किए राणा जी। हीर भाई जी, हम पूछ रहे हैं कैसा संदेह, बोलिए, जवाब दीजिए। कुंवर प्रताप को सखावीर मारने का। पापी हैं हम आपके, इसीलिए कहते हैं मर जाने दीजिए हमें। क्या करिए आप छोटी माँ? हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कुंवर प्रताप, आप हमें मत रोकिए। आपके दाजीराज को आप पर अटूट विश्वास है ना? हम नहीं कर पाए आप पर विश्वास, क्या करते? आपको कुछ ऐसी चीजें करते हुए देखा हमने कि हमारा संदेह और बढ़ता गया। हमें लगने लगा कि आप ही सखावीर हैं। ऐसी कौन सी बातें देख ली थी आपने धीर भाई जी, हम भी तो सुने। बताए राणा जी, जब हमारे मन का संदेह जाने ही नहीं वाला तो आपको क्या बताए, उससे बेहतर हम मर जाते हैं। हीर भाई जी, पहले हमें वो संदेह वाली बातें बताइए। हमने कुंवर प्रताप के धूल भरे पद चित्र अश्वशाला से उनके कक्ष में जाते हुए देखे, इसका क्या अर्थ हुआ राणा जी? यही नहीं कि जब सब सो रहे थे तो कुंवर प्रताप महल के बाहर आया, और सुरतन सिंह ने जो आपको हार दिया था वो उनको सखावीर से मिला था। वो हार जो आपने कुंवर प्रताप को बड़े विश्वास और प्रेम के साथ उपहार में दिया था। यही नहीं राणा जी, हमने तो कुंवर प्रताप के कंधों पर, अब एक शब्द नहीं सुनेंगे आपके मुंह से। से गंदे विचार आपके दिमाग में आए कहां से? आप हमारे पुत्र पर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने अपने पिता के विश्वास को छला है। कुंवर प्रताप हमारे भी पुत्र है राणा जी। नहीं है। ढोंग करती हैं आप हीर भाई जी, ढोंग। अगर आप कुंवर प्रताप को अपना पुत्र मानती तो उनकी बातों पर विश्वास करती, अगर आप कुंवर प्रताप को अपना पुत्र मानती तो उन पर इस तरह के आरोप नहीं लगा। वो आरोप जो सीमा पार के शत्रु उन पर लगा रहे हैं। अगर आप अपनी ग्लानी मिटाने के लिए इससे अपने प्राण लेना चाहती हैं तो लीजिए, ले लीजिए अपने प्राण। तो एक बात हम आपसे कहेंगे, आप बहुत ही सरल मार्ग चुना है,